आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। देखिए चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही ईजी है, लेकिन उससे पहले आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के बारे में समझाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसे पढ़िए, नहीं तो बाद में आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने नहीं आएगा, ठीक है। कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होते हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़े रहोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए नंबर एक पर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। कैमरा ब्लर हो गया क्या? नहीं ना, ठीक है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल हेडिंग डाले हैं, तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल का ही डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल कहते किसको है, ठीक है। समझाएंगे ध्यान से, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए टू थ्री एक्स क्यू डॉट डॉट ए एन एक्स के पावर एन को, जो इसमें एन होता है उस होल नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन हम कहेंगे ना तो बातें समझ में नहीं आएगी, पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ए पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स इन विच पावर ऑफ एक्स आर ओनली होल नंबर, ठीक है। ये होता है इसका डिफिनेशन, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि जो हम यहाँ पर एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझ में आएगा आप लोगों को, पेशेंस बनाए रखिए। ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन, जो एन है, ठीक है, लिखेंगे एंड एन इज ए होल नंबर, एन इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स। देखो कहने का मतलब है, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है कि ए पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल होगा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा, इन एक्स इन विच पावर ऑफ एक्स आर ओनली होल नंबर। तो देखो यहाँ पर जो एक्स एक्स इन विच पावर ऑफ एक्स, जो पावर में इसका लगा रहेगा ना, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे। जैसे देखो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू, तो जो पावर है ना, यहाँ कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ है, ठीक है। तो जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है उसी को हम लोग, वो क्या है, एक होल नंबर है, और उसी होल नंबर को हम लोग क्या समझेंगे, एक्स का वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जो एक्स के पावर टू है, थ्री है, फोर है, ये तो होल नंबर में होता है, ठीक है। लेकिन इसी होल नंबर को जो एक्स के पावर में है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना, आगे कुछ क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसका दूसरा फॉर्मूला देखो, कोफिशियंट ऑफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहेंगे ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर
अभी समझाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। कॉल्ड द कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल, कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स के पावर एन। तो देखो ये जो एक्स के साथ में ये जो ए वन है, ए टू है, ए एन है, तो इसके साथ जो लगा रहता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, समझ में आ गई बात। एक्स के साथ में जो गुना करेगा, मल्टीपल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ पोलिनोमियल। अब एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ एन ऑफ द वेरिएबल, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसका डिफिनेशन ऐसे लिखो, मैक्सिमम पावर इन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला है मोनोमियल, चार नंबर। मोनोमियल अब मोनोमियल किसको बोलते हैं, तो मोनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। ये हो गया डिफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मतलब जिसमें एक टर्म रहता है, ठीक है, एक्स के पावर फोर, देखो इसमें एक टर्म है उससे मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये फोर एक्स एक ही है, मोनोमियल बोलेंगे। एक टू, ये सब क्या आएंगे, मोनोमियल में आएंगे। अब फाइव नंबर बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म रहेगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है कि ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल, बाइनोमियल। इसमें क्या रहेगा, इसमें एग्जांपल देखो, इसमें आपको दो टर्म रहेगा, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू और फाइव एक्स प्लस टू, इसमें दो टर्म रहेगा, पावर नहीं, टर्म, एक टर्म दो टर्म, ऐसा रहेगा, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन रहेगा, लिख दें कि छोड़ दें, छोड़ भी देंगे तो हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल दिख रहा है ना, क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई नोमियल्स, ट्राई नोमियल्स ए पॉलिनोमियल हैविंग ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल फोर एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट छः के बाद सेवन, सेवन नंबर है ट्राइनोमियल हो गया। हाँ, लीनियर पॉलीनोमियल सीखो कि लीनियर पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको आगे काम है। लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देखो 3x-5, तो देखो क्या बोला है कि पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसका डिग्री क्या है? कुछ नहीं तो वन, इसको सिर्फ देखेंगे, जिसका डिग्री वन रहेगा उसे लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये भी इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एग्जाम्पल के तौर पे देखो 3x² - 5x, देखो इसमें 2 डिग्री है, एक यहाँ पर, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ऐसा रहेगा 3x² - 5x+7, तो इसका जो डिग्री है 2 है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, ये नहीं कि तीन टर्म देखेंगे, टर्म का नहीं, टर्म जब रहेगा तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया, एक क्यूबिक भी होता है, तीन गोला, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक्सरसाइज बनाने के लिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल में क्या होता है कि ए पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, एग्जांपल 7x³ - 5x² + 8x+4, देखो यहाँ पर क्यू है ना, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक होता है जीरो पॉलीनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीरो पॉलीनोमियल, अब जीरो पॉलीनोमियल में क्या होता है, इसका जो पावर होता है, इसका कोफिशियंट ही जीरो हो जाता है, यानी जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, वो कभी डिफाइंड ही नहीं हो पाता। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ए पॉलीनोमियल हैविंग ऑल कोफिशियंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल, मतलब इसका जो कोफिशियंट होता है वो जीरो होता है। एग्जाम डिफिनेशन लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं, जीरो पॉलीनोमियल स्टार डाल के लिखिएगा, ए पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड ए जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, एग्जांपल 0 × x^4
प्लस जीरो जीरो इंटू एक्स के पावर टू। देखो इसका जो कोफिशियंट है सब जीरो होगा, उसी को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पोलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। चलो